नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। मैं हूं निहारिका सिंह। खबर बिहार से जुड़ी है। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को दफ्तर में जींस पैंट पहनकर आने पर रोक लगा दिया है। विभाग ने कहा कि मौजूदा चलन कार्यस्थल और संस्कृतियों के खिलाफ है। शिक्षकों को कार्यालय में जींस पैंट पहनकर आना। विभाग के निदेशक ने एक आदेश जारी करते हुए कार्यालयों में शिक्षकों को जींस पैंट पहनकर आने पर आपत्ति जताई है। हम आपको बताते हैं कि निदेशक ने आदेश जारी करते हुए क्या लिखा है। निदेशक ने आदेश जारी करते हुए लिखा है कि यह देखा गया है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ऐसी पोशाक पहनकर कार्यालय आ रहे हैं जो कार्यालय की संस्कृति के विपरीत है। कार्यालय में अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों द्वारा कैजुअल कपड़े पहनकर आना कार्यालय की कार्य संस्कृति के विरुद्ध है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चले कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है, जिसमें ये दिखाया गया है, आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों शिक्षा विभाग के कार्यालयों में औपचारिक पोशाक में ही आना चाहिए। इसलिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी शिक्षा विभाग के कार्यालयों में फॉर्मल कपड़े पहनकर आए। शिक्षा विभाग के कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से किसी भी कैजुअल पोशाक, खासकर जींस एवं टी शर्ट पहनने की अनुमति नहीं होगी। गौरतलब है कि अप्रैल में यह भी देखा गया था कि सारण जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने भी शिक्षकों को दफ्तर में जींस पैंट पहनकर आने पर रोक लगा दी थी। कुछ ऐसा ही मामला 2019 में देखने को मिला था। सरकार ने 2019 में राज्य सचिवालय में जींस और टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस आदेश का उद्देश्य कार्यालय की मर्यादा बनाए रखना है। सरकार ने राज्य सचिवालय के कर्मचारियों को कार्यालय में सादे, सुविधाजनक और हल्के रंग के कपड़े पहनने के लिए कहा। खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। क्या अब वाकई अगर शिक्षक जींस और टी शर्ट पहनकर कार्यालय आते हैं तो संस्कृति के खिलाफ है या नहीं, या हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे यूपी न्यूज 9। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और खबर को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।